अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार आपका? अच्छा जी, जब आप वीडियो देखने जा रहे हैं, दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ माई वीडियो सीरीज, जो कि मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो यूनिवर्सिटी आने वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प करने की। आई हैव ट्राइड टू मेक दिस इंटरव्यूज एज मच प्रोडक्टिव एज पॉसिबल, ताकि यार देखने वाले को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, टाइम वेस्ट ना हो किसी। और पूरी वीडियो की प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा और आई होप इट हेल्प्स। मैं इस आपके जो डिस्कशन है इसमें कोई वैल्यूएबल आइडियाज दे सकता हूँ, बिकॉज पहले मैं सरप्राइज था, बिकॉज मेरा एनईटी का फैसला बिल्कुल एंड पे देना हुआ, बल्कि नस्ट में मेरा बिल्कुल एंड पे फैसला आना हुआ, लेकिन मुझे अभी ये रियलाइज हुआ है कि मैं एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए कुछ अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ। वो है जो क्रैश कोर्सेज या फर्स्ट टाइम भी, उनके पास टाइम इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि वो 5 to 10 days या 15 days मैक्सिमम से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आई एम वन ऑफ दोज। मेरा प्लान पहले अब्रॉड का था, लेकिन एट द एंड मेरा पाकिस्तान बनने का बन गया और मुझे सिर्फ 10 to 15 days मिले थे फॉर एनईटी। और उसमें आई फोकस ऑन वो चीज़ें जो एक्चुअली दैट हैड मोर प्रायोरिटी ओवर अदर्स, ट्रिवियल थिंग्स, नॉट नेसेसरीली ट्रिवियल, बट जिनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो ए लेवल का नॉलेज था वो मैथ्स और फिजिक्स का बहुत प्रोफाउंड था, बिकॉज ए लेवल्स ने एक बहुत अच्छी वो बिल्ड की हुई थी, एक क्या कहते हैं, तो मेरा उसमें काफ़ी रुझान था। बट केमिस्ट्री जो है, इट इज़ एंटायरली एफएससी बेस्ड एनईटी की ज़्यादा। तो मैं क्या किया, मैंने केमिस्ट्री को देखा भी, क्योंकि मैंने कहा कि आई वुड सेक्रीफाइस ऑन दोस 30 marks, 30 का होता है बस, 10-15 तो आ जाएंगे, ऑब्वियसली 10-15 आ जाएंगे, बेसिक होते हैं, 10-15 आ जाएंगे। और आप यू कैन डू विद रीडिंग द समरी ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री टेस्ट टेक्स्ट बुक्स ऑफर्ड इन एफएससी, तो यू कैन डू विद दैट। मैंने एंड पे एक दिन पहले वो किया था। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, या दूसरे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एफएससी के बच्चे वो जा रहे हैं, एकेडमीज भी ले रहे हैं उनके लिए, तो इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट, बीइंग अ पर्सन हु डिडंट कीप एन एकेडमी, आई इंडल्ज्ड इन सेल्फ स्टडी, आई स्टडीड फॉर 10 days मैक्सिमम। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि दूसरों के साथ अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिएगा, अपने सर्कमस्टांसेस उनके डिफरेंट है, आपके डिफरेंट है, फोकस ऑन योरसेल्फ। एनईटी इजंट दैट हार्ड, गेटिंग इनटू एसएमएमई और अदर स्कूल्स ऑफ नस्ट इजंट दैट हार्ड। आपने बस क्या करना है, यू गॉट टू मेक, यू गॉट टू यूटिलाइज योर टाइम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। हाँ, ये अच्छी बात है कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ और दूसरों से कंपैरिजन करके मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात यार, टेस्ट देने बच्चे आते हैं उनके एंड में 15-20 सवाल आ जाते हैं, टाइम मैनेज उसके लिए क्या करना चाहिए? आप अपना टाइम मैनेज एनईटी में इस तरह कीजिए कि सबसे पहले आप इंग्लिश और इंटेलिजेंस वाला सेक्शन कीजिए, आईक्यू और इंग्लिश वो एंड पे होते हैं, तो पहले वो करें, क्योंकि बेसिकली वो उनके क्वेश्चंस प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आपको कोई नहीं आ रहा है, उनको छोड़ के फिर आए मैथ्स फिजिक्स वाले साइड पे। इफ यू आर एन एफएसए स्टूडेंट और आपको केमिस्ट्री का लगता है, केमिस्ट्री का आपका नॉलेज है, तो आई सजेस्ट कि आप इंग्लिश आईक्यू के बाद केमिस्ट्री पे। आपको जैसा ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताऊंगा कि फिजिक्स मैथ्स पे फोकस करें इंग्लिश आईक्यू के बाद, क्योंकि केमिस्ट्री वाला अगर आप पहले करने लग जाएंगे तो यू फील अ बिट डिस्करेज, क्योंकि 10-15 तो मेरे कोई आए थे, 17 मेरे गलत हुए थे केमिस्ट्री में, एंड मुझे पता था ये होने हैं, बिकॉज आई हैड दैट क्लैरिटी कि हमें केमिस्ट्री का इतना प्रोफाउंड नॉलेज नहीं है, बल्कि हमारे ए लेवल्स वाला इज डिफरेंट दैन एफएससी केमिस्ट्री, और ज़्यादा केमिस्ट्री जो एनईटी है वो एफएससी बेस्ड है। तो ए लेवल्स वालों के लिए ये सजेशन है कि आप मैथ्स फिजिक्स पे आएँ आफ्टर इंग्लिश आईक्यू, और एफएससी वालों के लिए कि इंग्लिश आईक्यू के बाद हो जाए केमिस्ट्री पे, एंड देन कम टू फिजिक्स। एक चीज़ यही है कि आई नो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन का होता है, यू विल बी थिंकिंग अबाउट मैनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है मेरे लिए, बेस्ट चॉइस क्या है, कौन सा ऐसा वे है जो मेरे पोटेंशियल पे इंटायरली वो उससे उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता हो। तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में होंगे, यू विल सडनली फील लाइक आई एम जंपिंग इनटू दिस वर्ल्ड जिसमें देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन एंड आई हैव टू मेक माय ओन डिसीजंस। तो माय बेस्ट एडवाइस टू यू इज जस्ट गिव इट योर ऑल, अप्लाई टू प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, देन मेक अ चॉइस एट द एंड एंड सी वेयर लाइफ टेक्स यू। आफ्टर मेकिंग दैट डिसीजन, जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह, और इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट, बिकॉज ऐसे ही होता है। यू जस्ट, मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया था, मैंने कहा यार मैं अब्रॉड के लिए करूँ या इधर के लिए करूँ, ये वो बहुत कुछ हुआ। इन द एंड मेरा पाकिस्तान में हो गया, नस्ट में हो गया, नस्ट इज़ अ टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, और इसके बाद आई एक्सेप्टेड इट एंड नाउ
مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ میرے جو ساری زندگی کے پرانے فیکٹرز تھے ایوری تھنگ واز لیڈنگ اپ ٹو دس. اور یہ جو آپ کو کمپلیسنسی تو میں کہوں گا جو آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی یہ ان شاء اللہ آپ کو ٹائم کے ساتھ آئے گی اور ان شاء اللہ یو ول بی ویری پراؤڈ آف دا ڈیسیجنز یو میک.